हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने मैथ एनालिसिस डिस्कस किया, सुपर मैथ एनालिसिस डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर जो मैं अभी टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस भी सर्किट एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अब बेसिकली क्या होती है, जनरली स्टूडेंट्स को क्या होता है कि मैथ एनालिसिस बहुत अच्छे से क्लियर होता है, बट नोडल एनालिसिस में प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रॉपरली, बिल्कुल ही सही तरीके से, अच्छे से, ईजी तरीके से आपको नोडल एनालिसिस बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको नोडल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इस लेक्चर में भी हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, नोडल एनालिसिस डिस्कस करूंगा और उसके बाद वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो सुपर नोड से रिलेटेड है। ठीक है, तो फ्लो जैसे आपके मैथ एनालिसिस में था सेम वैसे ही रहेगा। पहले हम डिस्कस करते हैं नोडल एनालिसिस। तो जैसे कि नाम से ही पता चला है, नोडल एनालिसिस मतलब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, नोड। तो पहले हमें यह समझना होगा कि नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है, नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो नोड क्या है, नोड सर्किट का वैसा पॉइंट है, यानी सर्किट में वो पॉइंट जहां पर टू और मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, मींस या तो दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड हो, सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड, तो उस सारे पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि ये नोड है। करेक्ट। और जंक्शन क्या है, जंक्शन वो पॉइंट है जहां पर थ्री और मोर देन थ्री सर्किट्स एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर हमें, जैसे आप इस सर्किट में पॉइंट देख सकते हैं, तो ये यहां पर सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड है, तो कितने हैं, 1 2 3 4, अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4। ठीक है, इस नोड पे अगर मैं देखूं तो कितने कनेक्टेड है, अगर इसको मैं 1 2 3, इस नोड पे कितने कनेक्टेड है, 1 2 3 4। करेक्ट। और ये नीचे वाले में अगर देखता हूं मैं, तो ये सारे सर्किट एलिमेंट्स आकर के यहां पर कनेक्टेड है, मतलब ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, मतलब 1 2 3 4 5। और अगर मैं नीचे का ये देखो 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, सेम पॉइंट है, दीज ऑल पॉइंट्स आर बेसिकली एट सेम पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। अगर यहां पर अगर मैं किसी को भी ग्राउंड करता हूं तो सारे के सारे ग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं देखूं, जैसे आप ये पहला वाला देख लीजिए, ये जो नोड है ये, ठीक है, अगर इस नोड को मैं देखता हूं, तो यहाँ पे चार सर्किट एलिमेंट हुए, मतलब क्या है, ये एक जंक्शन है। करेक्ट। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं देखता हूं, तो यहाँ पे भी तीन सर्किट एलिमेंट, ये भी एक जंक्शन है। यहाँ पे देखता हूं तो ये भी एक सर्किट एलिमेंट है, यहाँ भी चार सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है, मतलब ये भी एक जंक्शन है, और ये नीचे का भी एक जंक्शन है। तो और अगर इस तरह से कनेक्शन होता, जैसे मैं आपको अभी एज्यूम कर रहा हूं, अगर ऐसा कुछ कनेक्शन होता, ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नोड है, दिस पॉइंट इज नोड। क्यों, क्योंकि यहां पे दो सर्किट एलिमेंट, एक ये कनेक्टेड है और एक कनेक्ट, लेकिन ये पॉइंट जंक्शन नहीं है, ये पॉइंट जंक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो भले इसका नाम नोडल एनालिसिस है, लेकिन हम वही नोड कंसिडर करेंगे जो जंक्शन है। करेक्ट। इसका मतलब यह है कि वो सारे पॉइंट्स हम कनेक्ट करेंगे, लेंगे जहां पर तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड है। ठीक है, जहां पर दो एलिमेंट्स कनेक्टेड है वहां पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर करंट एज्यूम करूं, तो जो अपना इनकमिंग करंट होगा वही आउटगोइंग करंट होगा। ठीक है, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें उसी पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगाना है जहां पर तीन और तीन से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है। यानी वो पॉइंट क्या होना चाहिए, यानी वो नोड क्या होना चाहिए, एक जंक्शन होना चाहिए। अगर वो एक जंक्शन है तो हम वहां पे लगाएंगे।
तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को कंसीडर करता हूं, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां पर कितने नोड्स हैं जो कि जंक्शन की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी तीन और तीन से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कौन कौन से नोड पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर मैं इस सर्किट में देखूं तो मेरे पास कितने जंक्शन बन रहे हैं वो मैं मार्क कर देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं, 1, ठीक है, 2, 3, और ये सभी को मिला करके एक जंक्शन बन रहा है 4। सभी को मिला के क्यों? क्योंकि ये सारे सेम पोटेंशियल पे है, तो हमें इसे अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली में सभी एक ही पोटेंशियल एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। तो टोटल जो यहाँ पे नोड जो बन रहे हैं वो हमारे 4 है, और इन ये जो नोड्स है आपको ये इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट नोड्स, मीन्स 1, 2, 3, 4, दीज नोड्स आर बेसिकली इंडिपेंडेंट नोड्स, और इसको आप सेम वैसी ही मेश एनालिसिस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे के सारे जैसे इंडिपेंडेंट मेश हुआ करता था, जैसे मेश होता था उसी तरह से सारे के सारे इंडिपेंडेंट नोड्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 नोड्स हैं। अब आपको क्या करना पता है, इसके आगे प्रोसीड करने के लिए आपको क्या करना है, इन सभी नोड्स में से किसी एक नोड्स को आपको रेफरेंस एज्यूम करना होगा, करेक्ट। जैसे कि हम एज्यूम करते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी आपकी हाइट है 5'3" या 5'4" या 6', तो आप क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस क्या होता है, जहां आप ग्राउंड लेवल पे जिस पे जहां पर आप अभी खड़े हैं वहां से आप अपनी हाइट को मेजर करते हैं, करेक्ट। तो उसी तरीके से यहां पर अगर मैं कहूं कि नोड 1 का वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, तो वो गलत होगा। हमें ये डिफाइन करना होगा कि नोड 1 का वोल्टेज किस नोड के रेफरेंस में है। तो यहां पर 4 नोड्स है, उसमें से एक नोड को हमें क्या लेना होगा, रेफरेंस नोड लेना होगा। और जनरली हम नोडल एनालिसिस में देखेंगे कि हम रेफरेंस नोड उसी नोड को लेंगे जहां पर सबसे ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे, करेक्ट। तो अगर आप ये अगर यहां पे मैं देखूं नोड नंबर 4 दिस वन, तो यहां पे क्या है, यहां पे सारे सर्किट एलिमेंट्स आकर के कनेक्ट हो रहे हैं। तो आई टेक दिस नोड 4 एज ए रेफरेंस नोड, एज ए रेफरेंस नोड, ठीक है, यहां तक मैं क्लियर हूं, करेक्ट। अब अगर मुझे इजिली सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि इसको मैं रेफरेंस नोड ले रहा हूं, तो सबसे इजी कौन होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि नोड 1 पे वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो आप क्या कहोगे, किसके रेफरेंस में, 4 के रेफरेंस में। तो फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर व्हाट वी हैव टू एज्यूम, वी आर सिंपली एज्यूमिंग द रेफरेंस नोड एज ए जीरो पोटेंशियल, करेक्ट। अगर मैं 0 लूंगा तो मुझे माइनस करना ही नहीं पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे जो भी वोल्टेज है, मान लीजिए यहाँ पे V1 वोल्टेज है, तो V1-0 V1, V2-0 V2, V3-0 V3। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस रेफरेंस नोड को क्या कर दूंगा, आई एज्यूम इट एज एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप दूसरा पोटेंशियल भी लेते हो जाता, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं 1 वोल्ट ले लेता, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट मान लेता, तब क्या होता, V1-1 V2-1 V3-1। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पोटेंशियल एज ए 1 वोल्ट 2 वोल्ट और सम अदर वोल्टेज, सिंपली हम क्या करते हैं, 0 वोल्ट लेते हैं। अगर आप इसको 0 वोल्ट लेंगे तो जो भी यहाँ पर वैल्यू निकलेगा वन नोड पे, जो भी आप वैल्यू निकालोगे डायरेक्टली उस नोड का वोल्टेज हो जाएगा विथ रेफरेंस टू 4। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या ले लिया, 0 पोटेंशियल ले लिया, ठीक है, करेक्ट। अब नोडल एनालिसिस किस पे बेस्ड है, नोडल एनालिसिस जैसे मेश एनालिसिस केवीएल पे बेस्ड था, वैसे नोडल एनालिसिस किस पे बेस्ड है, केसीएल पे बेस्ड है। इसका मतलब हम यहां पर जो भी इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो क्या होगा, केसीएल होगा, करेक्ट। अब यहां पे देखते हैं, मैंने आपको नोड रेड से मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले जो केसीएल हम लगाएंगे वन नोड पे लगाएंगे, फर्स्ट नोड पे, ठीक है। तो आई एम हियर राइटिंग डाउन दैट केसीएल एट नोड 1, ठीक है, केसीएल एट नोड 1,
तो नोड वन पे अगर मैं केसीएल लगाता हूँ, अब आपको पता है केसीएल क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। सो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि द इनकमिंग करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जो करंट हम एज्यूम करेंगे किसी भी नोड से जो करंट हम एज्यूम करेंगे उसको हम हमेशा आउटगोइंग एज्यूम करेंगे, करेक्ट। तो जैसे अगर मैं इस नोड पे देखूं, यहाँ पे अगर मैं करंट की वैल्यू देखूं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी करंट दे रखा है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी 10 एम्पियर जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये है, करेक्ट। यहाँ पे जो करंट आ रहा है इसको मुझे क्या एज्यूम करना है, मैंने बताया जो करंट हमें नहीं पता है उसको हमेशा हम क्या करेंगे, आउटगोइंग एज्यूम करेंगे। इस करंट को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, आउटगोइंग, करेक्ट। और इस करंट को भी मैंने एज्यूम कर लिया कि इस पाथ में भी कोई करंट जा रहा होगा, उसको मैंने आउटगोइंग एज्यूम कर लिया और यहाँ पे भी आउटगोइंग एज्यूम कर लिया, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी नोड पे जहां पर केसीएल लगाना है, आप उस नोड में जो करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी है, जैसे 10 एम्पियर करंट सोर्स है, इसका डायरेक्शन हमें पता है तो उसको आप चेंज नहीं करोगे। उसके अलावा जितने भी करंट हम एज्यूम करेंगे उसका डायरेक्शन हम क्या करेंगे, आउटगोइंग लेंगे, करेक्ट। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आउटगोइंग ही लेना है, अगर आप चेंज करते हैं डायरेक्शन तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट मैं एक सिमेट्री मेंटेन करना चाहता हूं ताकि आप इजीली सॉल्व कर सके, इसलिए हमेशा हम एज्यूम करेंगे कि आउटगोइंग है। जैसे हमने वहां पर मैस एनालिसिस में ये एज्यूम किया था कि जो करंट है हमारा वो हमेशा हम क्लॉकवाइज में लेंगे, ठीक है, तो वो हमने एज्यूम किया था फॉर सिंप्लीफिकेशन, करेक्ट। अब यहां से देखते हैं, अगर मैंने नोड वन पे सारे करंट को आउटगोइंग आया तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहला करंट, इनकमिंग करंट 10 एम्पियर क्या है, इनकमिंग करंट है, मींस मैंने आपको इक्वेशन क्या बताया, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो पहले इनकमिंग करंट में लिख देता हूं, तो इनकमिंग करंट केवल कितना है, 10 एम्पियर है, इज इक्वल टू। अब आउटगोइंग करंट कौन कौन सा है, ये आउटगोइंग करंट है, ये भी आउटगोइंग है और ये भी आउटगोइंग है। तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि ये जो नोड वन है यहां पे वोल्टेज जो है वो मैं एज्यूम करता हूं V1 है, ठीक है। हमें हर एक नोड पे एक वोल्टेज एज्यूम करना पड़ेगा, उसी तरीके से जिस तरह से मैस एनालिसिस में हमने हर एक मैस में एक करंट एज्यूम किया था, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि V1 नोड पे V1 वोल्टेज है और वो किसके रेफरेंस में है, 4 के रेफरेंस में, नोड 4 के रेफरेंस में वो वोल्टेज है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू, अब करंट का इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं देखूं तो मेरा V इज इक्वल टू IR, ठीक है, मैस के लिए हम ये लगाते थे, तो करंट के लिए क्या लग सकता है, आई इज इक्वल टू V/R, करेक्ट। तो इस फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखना होगा। तो अगर यहां पे मैं देखूं, देखिए एक एक करंट लेते हैं, सबसे पहले 2 ओम के अक्रॉस इस करंट को देखते हैं, दिस वन, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, V1, और ये किससे कनेक्टेड है, 4 नोड से कनेक्टेड है, तो V4 पे क्या वोल्टेज है, 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, V1 -0/2 V/R, देखो V/R, तो V1 दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, इसी के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये करंट फ्लो होगा तो इस नोड से इस नोड के बीच फ्लो होगा, तो जिस नोड से जिस नोड पे फ्लो हो रहा है उसको हमने एज्यूम कर लिया। तो मैंने आउटगोइंग एज्यूम किया, इसका मतलब V1 क्या है, बड़ा है और V4 छोटा है, तो V1 -V4 और V4 की वैल्यू हमारी क्या है, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने ले लिया V1 -0/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट राइट डाउन V4, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो V1 -V4/2 V1 -V4/2, करेक्ट, ये आउटगोइंग हो गया, इनकमिंग प्लस, अब ये सारे करंट प्लस होंगे। अब ये देखिए ये करंट किसके किसके अक्रॉस है, V1 और V2 के, और बड़ा कौन है, V1 है, क्यों, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसको मैं V1 क्या है, बड़ा है, तो V1 -V2, मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V2 है और यहाँ पे मैं वोल्टेज मान लेता हूँ V3 इस नोड पे, तो V1 -V2/3 V1 -V2/3। और कोई करंट बाकी है, यस ये करंट बाकी है, तो ये करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो रहा है, V1 से V3 पे, V2 से कोई लेना देना नहीं, V1 से V3 पे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस V1 -V3/5, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, टेन इज इक्वल टू, अब V4 की वैल्यू क्या है, V4 की वैल्यू मैंने जीरो ली है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जीरो लेंगे। अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए वन वोल्ट या टू वोल्ट कुछ लेता तो वन टू लिखना पड़ता, उसमें से माइनस करना, तो जीरो लेने से इजी हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, V1 बाई टू प्लस V1 माइनस V2 बाई थ्री प्लस V1 माइनस V3 बाई फाइव, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से मैं काम करता हूँ, आई विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस, सो दिस इज 15 30, आई विल टेक एलसीएम 30, 30 एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी इफ आई टेक दिस 30, दिस इज 15V1 प्लस 10V1 माइनस 10V2 प्लस 6V1 माइनस 6V3 इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 को मैं इस साइड लेके आ सकता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा इक्वेशन जो आएगा वो आ जाएगा 300 इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ ले आया, इसको मैं यहाँ ले आया, ठीक है, तो 15V1 प्लस 10V1 प्लस 6V1 मीन्स 15 और 10 25 प्लस 31, सो दिस इज 31V1, ठीक है, V1 क्या था, माइनस माइनस 10V2 माइनस 6V3, ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो फर्स्ट नोट पे जो हमने केसे लगाया वहां से हमने इसका इक्वेशन फाइंड आउट किया और वो क्या वैल्यू आया, दैट इज 300 इज इक्वल टू 31V1 माइनस 10V2 माइनस 6V3। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड नोट पे आएंगे, ठीक है, सो KCL एट नोट टू लगाते हैं। KCL एट नोट टू में क्या देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या वोल्टेज अज्यूम करेगा है, V2। अब इस नोट से अगर मैं देखूं, इस नोट से, तो मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, करंट हमेशा आउटगोइंग अज्यूम करना है, तो ये करंट जो इस एलिमेंट में फ्लो कर रहा है इसको भी मुझे आउटगोइंग अज्यूम करेगा। अब इस करंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये इसकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ये नोट के लिए हमें जो भी एनालिसिस करना था वो हमने कर लिया। अब नोट टू एक अलग से एनालिसिस है, तो इसके करंट से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये करंट हमने ये अज्यूम किया था तो इसको ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ तक कहानी खत्म, अब यहाँ तक देखना है आपको। तो ये करंट आउटगोइंग, ये करंट मैंने आउटगोइंग यहाँ भी अज्यूम कर लिया और ये करंट मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे कोई भी इनकमिंग करंट नहीं है, सभी के सभी क्या है, आउटगोइंग करंट है। और जैसे हमने इक्वेशन लिखा, सेम इसका भी इक्वेशन हम लिख लेंगे, तो क्या आएगा, पहले इस करंट के लिए लिखते हैं, इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए V2 बड़ा है V1 से, क्योंकि हमने करंट कैसे अज्यूम किया है, इस डायरेक्शन में अज्यूम किया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन 3, ठीक है। अब ये वाला करंट, ये करंट को कैसे लिखेंगे, V2 माइनस V4 अपॉन 5, V2 माइनस V4 अपॉन 5, ये करंट V2 माइनस V3 प्लस V2 माइनस V3 अपॉन 1, इनकमिंग करंट नहीं है इसलिए, ठीक है, इसको अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 3 = 15, करेक्ट, तो यहाँ से 5V2 माइनस 5V1 प्लस 3V2, V4 तो जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 15V2 माइनस 15V3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा माइनस 5V1, ठीक है, दिस प्लस दिस 5 × 3 = 8, 8 × 15 मीन्स 23, सो दिस इज प्लस 23V2 माइनस 15V3 इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ, माइनस साइन को हटा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 5v1 माइनस 23v2 प्लस 15v3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, 5v1 माइनस 23v2 प्लस 15v3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। सेकंड पे हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसीजर फॉर नोड 3। ठीक है, नोड 3 के लिए हम अप्लाइंग KCL एट नोड 3, करेक्ट। अब नोड 3 में देखते हैं, तो नोड 3 हमारा ये है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं सेम कौन कौन से, जैसे हमने करेंट एज्यूम किए थे, यहां से अगर मैं देखूं तो दिस इज आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग एज्यूम करूंगा मैं, जो हमें एज्यूम करना है वो हमेशा आउटगोइंग। अब ये करंट ऑटोमेटिकली आउटगोइंग है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ये आउटगोइंग है। तो अब यहां पे अगर मैं केसीएल लगाता हूं तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, लिख देते हैं। तो पहले इस करंट के लिए लिखते हैं, इसके लिए तो v3, अब v3 बड़ा है, v3 माइनस v2 v3 माइनस v2 अपॉन 1। ठीक है, अब इसके लिए लिखते हैं v3 माइनस v4, अब v4 तो पता ही हमें 0 है, तो v3 प्लस v3 माइनस v4 अपॉन 4। ठीक है, फिर इस करंट के लिए लिखते हैं, इसके लिए दिस वन, तो v3 माइनस v1 तो प्लस v3 माइनस v1 अपॉन 5, v3 माइनस v1 अपॉन 5, और ये करंट भी आउटगोइंग है, तो प्लस 2 करंट में ये ऑलरेडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहां से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, 5 × 4 आई कैन टेक हियर 20, तो कितना आ जाएगा, 20v3 माइनस 20v2 प्लस 5v3 प्लस 4v3 माइनस 4v1 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से आ जाएगा 4v1 प्लस 20v2 माइनस 29v3 इज इक्वल टू 40। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं यहां पे टोटल वेरिएबल कितने हैं, 3, और इक्वेशन भी कितने बने, 3। तो अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, 29v3 इज इक्वल टू 40, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब मेश एनालिसिस लिया था तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बता रखा है कि इसको हम क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो v1 की जो वैल्यू आ रही है, v1 इज इक्वल टू 6572, यू कैन सॉल्व इट बाई क्रैमर्स रूल, 6752 बाई 445 वी। v2 इज इक्वल टू 556 अपॉन 109 वी, एंड v3 इज इक्वल टू 2072 अपॉन 545। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, और करंट की वैल्यू अगर हमें निकालना है, किसी भी करंट की वैल्यू निकालना है, तो वो भी हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आता है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम, ठीक है, इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो है, तो सबसे पहले हम कहेंगे v1 और v2 में से बड़ा कौन सा है। मैं कह सकता हूँ कि v1 की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा v1 से v2 की तरफ,
करंट में सिंपली लिख सकता हूँ वी वन माइनस वी टू अपॉन थ्री। अब हमें कोई डाउट नहीं है, तो आप सिंपली ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो वी वन बाई वी टू अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से वन बाई थ्री आ जाएगा और ये क्या आ गया 6572 अपॉन 545 माइनस 556 अपॉन 109। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा 2.32 एम्पीयर। 3 ओम के अक्रॉस आपने करंट की वैल्यू निकाली 2.32 एम्पीयर। इस तरह से हम कोई भी करंट की वैल्यू, किसी भी ब्रांच में करंट की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो अगर किसी कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ नोडल एनालिसिस हम इजिली लगा सकते हैं, अगर उसमें पैरेलल पाथ ज्यादा है तो वहां पे हम नोडल एनालिसिस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम मेश एनालिसिस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नोडल एनालिसिस एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll mainly discuss about the सुपर नोड कंडीशन। जैसे सुपर नोड, जैसे हमने सुपर मेस में पढ़ा उसी तरह से सुपर नोड कंडीशन आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल हैव सम मोर न्यूमरिकल ऑन द नोडल एनालिसिस। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।